विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस एवं कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वावधान से भव्य महारैली का आयोजन किया गया था। इस समय विभिन्न रंगारंग झांकियों ने उपस्थितियों का मन मोह लिया। नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, विश्व हिंदू परिषद एवं कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल साथ ही साथ शहर की कई हिंदू संगठनों के तत्वावधान से आज भव्य महारैली का आयोजन किया गया है। नागपुर स्थित धंतोली के गोरक्षण कृष्ण मंदिर से इस भव्य महारैली का आयोजन हुआ है। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हर प्रकार के विभिन्न आयोजन यहाँ किए गए हैं, विभिन्न प्रकार के कलाकृतियाँ यहाँ दिखाई जा रही है। कि दान पट्टा खेला जा रहा है, तो कहीं डांस कर कहीं नृत्य प्रदर्शन करते हुए विश्व हिंदू परिषद का ये पावन अवसर इस वक्त मनाया जा रहा है। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं, दान पट्टा खेला जा रहा है, बहुत ही बड़े पैमाने पर बड़ा यह उत्साह मनाया जा रहा है। बड़े ही जज्बेबाज काम यहाँ विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित भव्य महारैली में किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस भव्य शोभा यात्रा में शहर के सभी हिंदू संगठनों ने शिरकत की। यह शोभा यात्रा धंतोली स्थित गोरक्षण कृष्ण मंदिर से सीताबर्डी मार्ग से निकाली गई। इस आयोजन के दौरान कृष्ण मंदिर बड़ी मात्रा में सजाया गया था, जहां विभिन्न झांकियों द्वारा इस भव्य शोभा यात्रा को सुसज्जित किया गया। प्रभु श्री राम की झांकी, अयोध्या की झांकी, साथ ही साथ मुख्य झांकी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की झांकी इस समय प्रस्तुत की गई, जहां ढोल ताशा पथक के जोरदार प्रदर्शन ने शोभा यात्रा में रंग भर दी। इतना ही नहीं तो इस भव्य शोभा यात्रा के दौरान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि महापुरुषों की झांकियां भी प्रस्तुत की गई, जहां झूमते नाचते लोगों ने इस रंगारंग झांकी का आस्वाद लिया। दर्शकों, आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान की लल्ला की सवारी यहाँ जा रही है। रथ पे बैठे हुए लल्ला सावले कन्हैया आज रथ पर सवार होकर पूरे नागपुर की पृष्ठभूमि पर नागपुर शहर की यात्रा करने जा रहे हैं। यह अयोध्या की झांकी है, जो कि सपना था हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हर एक व्यक्ति का, कि अयोध्या में श्री रामचंद्र की मूर्ति प्रतिमा स्थापित हो, जो कि श्रद्धा स्थान है। आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से यहाँ ढोल ताशा पथक द्वारा भव्य आयोजन यहाँ किया गया, और जिस प्रकार से ढोल ताशा पथक स्वागत कर रहे हैं लल्ला की मूर्ति का, पूरे जो बोल भव्य शोभा यात्रा है इस ढोल ताशा पथक के साथ निर्माण की जा रही है। जिस प्रकार से हमने देखा कि ये शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस साथ ही साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ मनाई गई, तो यह देखना काफी रोचक रहेगा कि आगे चलकर इसका किस प्रकार से प्रभाव रहेगा, साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद का यह दिन किस प्रकार से बीतता है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।